तो यहाँ तो साथ फाइनली कंफर्म हो चुका है रियलमी 7 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रही है 3 सितंबर को, और ये फाइनली कंपनी ने दोस्तों ऑफिशियली इसे कंफर्म कर दिया। फ़ोन दोस्तों अभी तक की सबसे फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है इंडिया के अंदर, और आपको पहली बार दोस्तों 20,000 के अंदर 65 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। और कंपनी दोस्तों इसे एक बड़ा टीजर में अपने शो भी कर रही है, और मेन कंपनी का हाईलाइट इस 7 सीरीज़ के अंदर यही है कि आपको अपकमिंग का जो रियलमी 7 सीरीज़ है ये आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों इस अपकमिंग रियलमी 7 सीरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में दे दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे बात करते हैं दोस्तों अब इस फोन के बारे में कुछ और ताजी डिटेल जो यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ दोस्तों कंपनी ने इस 7 सीरीज के लिए ब्लाइंड सेल भी जारी की है, जिसमें आप 1,000 रुपये दे के इस फोन को प्री बुक कर सकते हैं ब्लाइंड सेल में, जिसमें अभी आपको इसमें प्राइस वगैरह पता नहीं है, इस वजह से इसे ब्लाइंड सेल कहा जा रहा है। तो अगर आप चाहते तो इसे बुक कर सकते हैं, और जब इसकी दोस्तों पहली सेल लगने वाली है तो आपको लगभग 1,000 के बदले एक अच्छा खासा डिस्काउंट और आपको कुछ रियलमी के प्रोडक्ट्स आपको फ्री में देखने को मिल सकता है, मतलब कि डिस्काउंट में मिलेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट 1,000 का है तो आप अगर ब्लाइंड सेल में इस फोन को परचेज करेंगे तो आपको उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। तो अच्छा खासा आपके लिए यहाँ पे ऑफर कंपनी लेके आई है। वैसे दोस्तों हम बात करते हैं इन फोन की हाइलाइट्स के बारे में, क्या खास होने वाला है इस बार रियलमी 7 सीरीज के अंदर। तो इस बार दोस्तों आपको पहली बार 20,000 के अंदर रियलमी अपने 7 प्रो के अंदर 60Hz की एमोलेड डिस्प्ले देने जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों पहली बार कंपनी 65W की फास्ट चार्जिंग भी देने जा रही है। तो ये दो बड़ी चीज़ है दोस्तों इस बार आपको जो रियलमी 7 सीरीज़ की हाईलाइट होने वाली है, और बाकी ऐसा कुछ ऐसा फ़ोन में बड़ा चेंज नहीं होने जा रहा है रियलमी 6 के मुकाबले। एक दो चीज़ें दोस्तों आपको कैमरा में फ़र्क देखने को मिलने वाली है। फ़ोन आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे सेटअप के साथ देखने को मिलने वाला है। दोनों फ़ोन आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे सेटअप के साथ यहाँ पे आने वाला है। यहाँ दोस्तों हम बात करें रियलमी 7 के बारे में, तो ये जो फ़ोन आने वाला है दोस्तों ये आपको वही रियलमी 6 की तरह 90Hz की रिफ्रेश वाली डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जो कि 6.5 इंच के लगभग आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। फ़ोन दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको जो रियलमी का 7 होने वाला है ये आपको हीलियो के G95 के साथ आने वाला है, जबकि जो रियलमी 6 था G90T के साथ देखने को मिला था। लेकिन G95 दोस्तों अभी अनाउंस नहीं किया गया, ये अगले महीने अनाउंस किया जाएगा, शायद लॉन्च के साथ ही अनाउंस किया जाएगा। इस वजह से दोस्तों G95 से जुड़ी अभी हमारे पास ज़्यादा जानकारी यहाँ पे नहीं है। यहाँ दोस्तों हम बात करें रियलमी 7 प्रो की चिपसेट के बारे में, तो अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपको स्नैपड्रैगन की एक नई चिपसेट जो आने वाला है सितंबर के महीने में, स्नैपड्रैगन 732G उसके साथ दोस्तों देखने को मिल सकता है, नहीं तो आपको दोस्तों 720G के साथ देखने को ये फ़ोन आपको मिल सकता है। दोनों फ़ोन दोस्तों आपको एक काफ़ी अच्छी बड़ी बैटरी के साथ आने वाला है, साथ में 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। रियलमी का जो दोस्तों 7 होने वाला है वो 5000mAh की बैटरी के साथ आएगा, जबकि 7 प्रो जो होगा वो 4500mAh की बैटरी के साथ बताया जा रहा है देखने को मिलेगा। और दोनों फोन में दोस्तों आपको 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है, जबकि दोस्तों जो रियलमी का 7 होने वाला है उसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों आपको जो डब्बे के अंदर होने वाला है वो आपको दोस्तों 30W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। चार्जिंग सपोर्ट 65W का होगा, लेकिन जो डब्बे के अंदर चार्जर होने वाला है वो 30W का ही होगा। अब ये लीक्स बोल रही है, ये कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है आपको दोनों फोन ही 65W के चार्जर के साथ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ दोस्तों हम बात करें कैमरे को लेकर, तो दोनों फोन दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरे सेटअप के साथ आने वाला है, और सेल्फी में दोस्तों अभी पता नहीं है कि कन्फर्म कितना मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा देखने को मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों रैम स्टोरेज की बात करें तो रियलमी का जो 7 होने वाला है ये आपको 3 रैम स्टोरेज के साथ आएगा, 664, 628 और 8128, जबकि 7 प्रो होगा वो 2 रैम स्टोरेज के साथ आने वाला है, 628 और 8128। ये दोस्तों ऐसे कंप्लीट अपकमिंग पैकेज होने वाला है रियलमी 7 सीरीज का, बाकी पूरी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस की जहाँ तक दोस्तों बात रही तो बताया जा रहा है आपको जो रियलमी का 7 होने वाला है ये 15,500 से इंडिया में इसकी प्राइसिंग शुरू होने वाली है, 15-15.5 के आसपास इसकी प्राइसिंग इंडिया में रहने वाली है बेस रेंट की, जबकि जो 7 प्रो होने वाला है ये 18-18,000 के आसपास की प्राइसिंग की रहने वाली है। शायद इस बार बताया जा रहा है कि 19,000 भी इसकी प्राइसिंग जा सकती है, ऐसी लीक्स यहाँ पे बता रही है। तो 3 सितंबर को फाइनली दोस्तों रियलमी 7 सीरीज इंडिया के अंदर अनाउंस होने जा रही है, और ऑफिशियल टीजर वगैरह भी इसका लिस्ट हो चुका है, फ्लिपकार्ट के ऊपर इसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है, तो मतलब कि अभी ये फोन आने वाला है। तो 5 मार्च को दोस्तों रियलमी 6 सीरीज इंडिया के अंदर आई थी, 3 सितंबर को 7 सीरीज आ रही है, और ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको फरवरी में रियलमी की 8 सीरीज भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि रियलमी यार बहुत फास्ट काम करता है। वैसे दोस्तों एक अपडेट ये भी है कि इसके साथ आपको नार्जो 20 सीरीज भी देखने को मिलने वाली है, लेकिन उसको लेकर अभी कन्फर्म अपडेट नहीं है कि आपको साथ ही लॉन्च होगी या फिर थोड़े गैप के बाद लॉन्च होगी। और आपको दिवाली के आसपास दोस्तों रियलमी की C17 और C20 भी लॉन्च होने वाले हैं। तो ये दोस्तों बहुत सारे रियलमी के अपकमिंग फोन है, वैसे 7 सीरीज फाइनली लॉन्च होने जा रही है। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, अब है कि आपको 7 सीरीज के बारे में क्या कहना है। ऐसा कुछ खास अपग्रेड नहीं होने जा रहा है, आपको बस डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग बेहतर देखने को मिलने वाली है, और थोड़ा कैमरा बेहतर होने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इस फोन को लेकर, मेरे कमेंट बता सकते हैं, और आप इसके लिए एक्साइटेड है कि नहीं मेरे कमेंट बता सकते हैं। तो आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।